कटहल काटने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए यहाँ मैंने एक कटहल लिया है। ये कटहल बिल्कुल फ्रेश और मीडियम साइज का है। और अब हम एक इस तरीका का प्लास्टिक शीट लेंगे, या आपके पास अगर प्लास्टिक शीट ना हो तो आप पेपर भी रख सकते हैं, और शीट के ऊपर कटहल रखेंगे। और अब हम हाथों पे तेल लगा लेंगे। यहाँ मैंने सरसों तेल के 2 से 3 ड्रॉप हाथ में लेंगे और इसे हाथों में इस तरीके से फैला लेंगे। और अब हम कटहल काटने के लिए इस तरीके के सब्जी काटने वाला लेंगे। इसे हमारे तरफ हसुआ या सब्जी काटने वाला कहा जाता है। इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से तेल लगा लेंगे। और अब हम एक इस तरीके का नाइफ या चाकू लेंगे और चाकू के भी ऊपर अच्छे से तेल लगा लेंगे। और चाकू से हम इस तरीके से कटहल के ऊपर वाले भाग को काट लेंगे, जिससे इसका सारा दूध ईजिली ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कटहल का काफ़ी सारा दूध निकल गया है। और अब हम कटहल के पत्ते से इन सारे दूध को इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। अगर आपके पास पत्ता नहीं है कटहल का तो आप इसे कागज़ या न्यूज़पेपर से भी क्लीन कर सकते हैं। और अब हम कटहल को इस तरीके से लंबे साइज में कट कर लेंगे। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से गोल साइज में भी कट कर सकते हैं। और ये देखिए, कटहल हमारा बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है। और अब हम इसे बीच में से भी इस तरीके से कट कर लेंगे और इसके इस तरीके से छोटे पीस बना लेंगे। और इसे बीच में से एक बार और कट कर लेंगे। और इस तरीके से कटहल का छिलके को भी हम इसमें से छील के निकाल लेंगे या कट कर लेंगे। और इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीस को कट कर लेंगे। और अब हम एक बर्तन लेंगे और इसके सारे पीसेस को इसमें रख देंगे। कटे हुए कटहल में हवा लगने से कटहल का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो अब हम कटहल में 2 ग्लास पानी डालेंगे और पानी डालकर हम कटे हुए सारे कटहल के छोटे छोटे पीस को इसमें रखेंगे, जिससे इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यहाँ मैंने कटहल को कट करते समय हाथों में सरसों तेल का यूज़ किया था। सरसों तेल की जगह आप कटहल को कट करने से पहले नारियल का भी तेल हाथों में लगा सकते हैं। और ये देखिए, कटहल को यहाँ मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। ऑयल लगा के कटहल को कट करने से कटहल का जो दूध या लस्सापन है हाथों में, अगर वो लग भी जाता है तो ईजिली क्लीन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे कटहल को अच्छे से कट कर लिया है।